अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ईद उल अज़हा का 10 डे स्किन केयर चैलेंज। टोटल 10 दिन का ये चैलेंज है, बहुत आसान है। एक क्लिंजर है और एक मास्क है और ये सब आपके घर में मौजूद होगा। तो स्टेप नंबर 1 में हमें क्लिंजर बनाना है। उसके लिए हमें 1 टीस्पून चाहिए कॉफ़ी और थोड़ा सा रोज़ वाटर। इन दोनों चीज़ों को आपने एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्सचर बना लेना है, पेस्ट बना लेना है। कॉफ़ी की तासीर वैसे पीने में तो गर्म होती है, लेकिन जब आप इसको फेस पे अप्लाई करते हैं ना तो आपके फेस पे दाने नहीं आते और बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। और जब आपने अपने फेस को ग्लो देना हो, एक्नी मार्क्स को रिमूव करना हो तो और पूरे फेस को इवन टोन करना हो तो आप ये अप्लाई कीजिए और इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। और जहाँ पे आपको लगे कि आपका क्लिंजर जो है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो रोज़ वाटर के साथ स्प्रे करके मजीद इसको थोड़ा सा मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट आपने इसको मसाज करना है, उसके बाद आपने ठंडे पानी के साथ इसको वॉश ऑफ कर लेना है। स्टेप 2 मास्क, इसमें हमें चाहिए 1 टेबलस्पून दही, 1 टीस्पून हमें चाहिए बेसन और 1 टीस्पून कोका पाउडर और 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। और इसको आपने मिक्स करके ना फेस मास्क रेडी कर लेना है। उसके बाद आपने इसको पूरे फेस पे, हैंड्स, फीट और नेक की फ्रंट एंड बैक पे ज़रूर अप्लाई करना है। और स्पेशली जिनकी नेक एरिया जो डार्क होता है आपने ये वहाँ पे ज़रूर अप्लाई करना है। बहुत क्रीमी सा मिक्सचर बनता है और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग मास्क है। इसके बाद आप इतने फ्रेश हो जाते हैं इस मास्क के बाद, क्लिंजर के बाद। और दही जितना ज़्यादा आप लोगों का ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा आपकी स्किन पे अच्छा फील होगा। इसको आपने 15 से 20 मिनट लगा के छोड़ देना है ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। और उसके बाद आपने पानी के साथ इसको हल्के हल्के हाथों से वॉश ऑफ कर देना है। मासूम बच्ची हूं ना मैं, लग रही। फेस मैंने वॉश कर लिया 15 से 20 मिनट के बाद। और इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, इसके बाद मैं जी कर रही हूँ रोज़ वाटर का स्प्रे और उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र के तौर पे अप्लाई करूँगी एलोवेरा जेल। और आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं और ये आप लोगों ने रेगुलर करना है 10 डेज। और उसके बाद आपने मुझे इसका फीडबैक देना है और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जो है ना उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। ये वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह फिर आपसे मिलूंगी। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।